गाजियाबाद जिले में शनिवार को तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना। गाजियाबाद जिले की तहसीलों में समाधान दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में गाजियाबाद के तहसील मोदीनगर में भी संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता एडीएम गाजियाबाद ने की और लोगों की समस्याओं को सुना। मोदीनगर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर आज शिकायतकर्ताओं की संख्या में काफी कमी देखने को मिली। आज कुल 24 लोग ही अपनी फरियाद लेकर मोदीनगर तहसील में पहुंचे, जिसमें सिर्फ 2 लोगों की समस्या का निराकरण किया गया। बाकी मामलों की जांच शुरू कर दी गई। उन लोगों को अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का भी जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। आज करीबन ऐसी 20 से 25 व्यक्ति शिकायतें आज तहसील दिवस के अंदर आई हैं। आज तहसील दिवस एक तो सूचित नहीं था, इसलिए कम शिकायतें आई, और लॉकडाउन की वजह से शनिवार रविवार का लॉकडाउन है। इन्होंने शनिवार का बिना सूचित करे शनिवार दिवस लगाया, जिसमें एडीएम साहब का था, लेकिन फिर भी एडीएम साहब का तहसील दिवस होते हुए भी बहुत कम जनता आ पाई। आपको बता दें कि आज वीकेंड लॉकडाउन है, यही कारण है कि आज तहसील दिवस में बहुत ही कम शिकायतें आई हैं। वहीं आज समाधान दिवस के बारे में भी बहुत ही कम लोगों को जानकारी थी।